मैं कैसा पकड़ता इसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। बोल भवानी माता की जय। भवानी मंदिर में हर साल के तरह ये साल भी जयेश्वर जयंती मनाते हैं। श्रावण मास अभी परंपरा से 30-35 साल से पहले विठल राव शेंद्रे बैठे थे, उनके हमारे से ये चलते आ रहे। अभी भी हम नौ एक मंडल उनको भी चक्री भजन के बारे में सीखा के अब उनको आगे करके बहुत हर एकादशी को हर एकादशी को यहाँ पे चक्री भजन होता है और बाहर के लोग भी हमको आके सबको मन क्या आप देवी के चरणों में आके सबको स्वागत है। सेवा करना और सेवा करने से उनका प्रतिफल मिल रहा है इसलिए वो लोग भी ज्यादा आके अरे और हर अष्टमी के दिन महाप्रसाद का व्यवस्था भी हो रहा है यहाँ पे, उससे भी वो लोग बहुत जुड़ रहे। सर यहाँ पर अभी हर मैं देखा हूँ एक साल से हर प्रोग्राम होता है यहाँ पर, यहाँ पर जो भी भक्त अपने खर्चे से डालते हैं गवर्नमेंट कुछ फंड सर। गवर्नमेंट का फंड अभी तक तो कुछ भी नहीं है, सभी बीदर की जनता है, सभी पब्लिक है उनके लोगों से, समाज के ओर से भी हो रहा है, बाहर के लोगों से भी हो रहा है। सर कितना साल का मंदिर सर? ये कम से कम 45 साल से का मंदिर है, 45-50 साल का मंदिर है। उसकी स्थापना बना रहा अभी तो मतलब 1965 का जगह तोड़ बैठ किलो नंतर 1965 स्थापना आई तो अदर अंतर स्वल्प 2000 ले तो हिच्ची के डॉलर पे गया। सर अभी आपने जो उसकी पूरी कहानी बता दी 1965 होती है, आप इसके बारे में इसके मंदिर में क्या ऐसा से सर? मंदिर का वो 1980 में जो मूर्ति भागलपुर से लाके यहाँ पर स्थापना किए वहाँ से पूजा प्रकार हमारे जो महाराज यहाँ पर आए सो है अब सदस्य महाराज आए, पहले थे हमारे टंडा महाराज बोल के गुंदरे उतना प्रभाव नहीं था, जो हमारे प्रभाकर महाराज बोल के हमारे आए सो है 10-15 साल से उन आने से हमारे मंदिर का डेवलप हुआ और भक्त भी आ रहे और माताओं को प्रेरणा दे रहे और भक्त आ रहे उनका काम हो रहा है वो हिसाब से हमारा मंदिर डेवलप में। आपका नाम सर? शंकर जय दे। हम सबका एक सौभाग्य है जो कि परंपरा इस चक्री भजन को महाराज जी और बाजे जी और सारे समाज के सभी भक्तजन मिलके जो मनाते हुए आ रहे हैं कम से कम 45-50 साल से हम घर में करते हुए इस मंदिर में आ गए। इस मंदिर में शुरू होके 10 साल हो गया, नहीं तो हर एक घर में जाके बॉर्डर के ऊपर जो सेना हमारे लिए तैनात है उन सभी का योगदान बहुत बड़ा है और त्याग भी है उनका, उनका त्याग करने से उनका योगदान करने से हम सबको सुरक्षित रखे हुए हैं वो लोग, इसके लिए उनके लिए कुछ ना कुछ करना बोल के इस बार म्यूजियम के 75 ईयर्स का आज़ादी का महोत्सव यहाँ पर भी मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव यहाँ पर भी मनाया जा रहा है, नवरात्र में नवरात्र के उपलक्ष्य में वो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, इसीलिए सभी बीदर के हर वासी को हर एक वासी को यहाँ पर आके उसका अनुभव ले और माता का दर्शन लेकर माता का भी प्रसाद और कृपा कटाक्ष उनके ऊपर होना बोल के सभी बीदर वासियों को मैं देवी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। मैं यहाँ से रिटायरमेंट जो है रिटायरमेंट जो है मिलिट्री वाले भी उनसे ही बात कर सकता हूँ मैं। सर अभी जो है आप जो देश के ऊपर मत मिलते सर आपके बारे में इन्होंने कहा सर, अब आने वाले दिनों में 75 साल का भी अमृत महोत्सव बना रहे सर, देश को क्या संदेश देंगे सर आप उसके ऊपर जो बिल्कुल आप ड्यूटी करके आए सर? नहीं आप जो रिटायरमेंट है सर देश के नौजवान बच्चों क्या सोचते हैं देश के बारे में? फौज में जाना, कम से कम 5 साल तो सेवा करना विचार है सर का। आप कितना साल सर आप कितना साल सेवा कर रहे हैं? वहाँ पर 7 साल हो गए। a
सी मंडराया कुंतले युद्धवासी चबोर चन्नाकडे कुंतले युद्धवासी उदयोग कठिनता सारासी गोपारे कठिनता सारासी मंडराया कठिनता सारासी प्राणाचा तो प्राणा आम्हाला भेदोने मनोने मारता हे पाणगंगा तुझवासुनी नैने देवाय करो